तो गुड मॉर्निंग. अभी हम लोग हैं सेकेंड डे अपना बगदाद ट्रिप का. तो वी आर जस्ट स्टार्टिंग अवर टू डेज जर्नी. सो जस्ट बी विथ अस एंड एक्सप्लोर बगदाद विथ अस. सो लेट्स बिगिन. दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं आज की डेस्टिनेशन के लिए. आज हम लोग कौन कौन सी ज़ियारत करेंगे, कौन कौन से दरगाह जाने वाले हैं, वो सारा चीज़ देखने के लिए बने रहे व्लॉग में. और आज हम लोग जाने वाले हैं बगदाद के अल अलावे रेलवे यार्ड की तरफ, जो कि 5 किलोमीटर है हमारे जो डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग. तो पास ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है. तो आज हम लोग बहुत सारे दरगाह जाएंगे और आप लोग को भी दिखाएंगे कि हम लोग कहाँ कहाँ जाते हैं. तो बने रहिए व्लॉग में और देखिए हमारे साथ हम लोग कहाँ कहाँ गए थे. अच्छा, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ मैं आपको यहाँ के बारे में. कल हमने एक चाय पी, एक चाय जो है वो ब्लैक टी था. ब्लैक टी वन कप ऑफ ब्लैक टी इज 4 रुपीज़ 250, 250 रुपये की एक चाय है. और अगर आप दूध वाली चाय पीते हो तो 1000 की एक चाय है. अगर आप इंडियन करेंसी में करो तो उसको तो 15 times यहाँ की करेंसी लोअर है एज़ कम्पेयर टू इंडियन रुपीज़. मतलब इंडिया का अगर 1 रुपये तो यहाँ पे 15 रुपये के बराबर है. तो लगभग 15 रुपये की चाय थी और वो ब्लैक टी. और अगर आप जो नॉर्मल चाय पीते हो वो 50 रुपये के आसपास की यहाँ पे एक चाय है. अच्छा, हमने यहाँ सिम खरीदी है तो सिम का जो रेट है वो अप्रॉक्स 1100 रुपये का एक सिम यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा. और यहाँ की करेंसी में 16,000 रुपये. तो बस कुछ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हम लोगों को पता चल रहे हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. तो बने रहिए और एक्सप्लोर कीजिए हमारे साथ. सो यू कैन सी द डेवलपमेंट इन द सिटी आफ्टर 2003, आफ्टर द वॉर. सो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुआ है. दो सिटी के बीच में आप लोगों को ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा, बाहर पे आप लोगों को ज़्यादा फ़र्क दिखेगा. जब आप मेन सिटी के बाहर जाते हो तब वहाँ पे आपको डिस्ट्रक्शन का, मतलब अभी भी उतना इम्प्रूवमेंट नहीं है जो होना था. बट ऑब्वियस है, किसी भी देश को 3 बार वॉर से अगर ऊपर उठना होता है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है. तो उस हिसाब से काफ़ी पहले से इम्प्रूवमेंट है आपको इस शहर को देखने को मिलेगा. ये है दरियाए दजला, जिसको दरियाए फरात भी बोला जाता है. यहाँ पे ही वो वाकया हुआ था जहाँ पे गौस पाक ने 12 साल पुरानी जो कश्ती थी उसको, डूबी हुई कश्ती को वापस से ऊपर ले आई थी. और ऐसा भी बोला जाता है कि कयामत के आने पे यहाँ पे एक सोने का पहाड़ निकलेगा और उस पर बहुत जंग होगी. तो इसका बहुत बड़ा मर्तबा है. दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं आज के दरगाह की ज़ियारत के लिए. हम लोग अभी जा रहे हैं हज़रत शेख जुनैद अल बगदादी की दरगाह की तरफ. और उसी दरगाह में उनके मामू जान हज़रत शेख श्री सक्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी दरगाह है. तो हम लोग दोनों दरगाह आज ज़ियारत करेंगे और आप लोग को भी दिखाएंगे. तो आप लोग भी बने रहिएगा व्लॉग में और हमारे साथ ज़ियारत कीजिएगा और हमें हमेशा दुआओं में याद रखिएगा. तो चलिए दोस्तों चलते हैं अंदर, आप लोग को भी दिखाते हैं. तो हम लोग पहुंच चुके हैं दरगाह शरीफ में और आप देख सकते हैं ये यहाँ का एंट्रेंस है. यहाँ से हम लोग को अंदर जाना है, सिंगल गेट है. तो चलिए अंदर चलते हैं, आप लोग को भी दिखाते हैं. बाहर से तो ये बहुत ही खूबसूरत है, अंदर भी कैसे दिखता है वो भी मैं आप लोग को दिखाती हूँ. तो ये देख सकते हैं बहुत ही सुंदर है.
तो अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे दो दरवाजे हैं, एक दरगाह शरीफ का और एक यहाँ नमाज पढ़ने का है। तो एक तरफ से आप नमाज वगैरह भी पढ़ सकते हो। अभी जोहर का टाइम हो चुका था तो अभी हमने पहले नमाज पढ़ी और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे दरगाह शरीफ है, तो यहाँ पे हमने ज्यारत भी की। और ये है थोड़ा सा जो मस्जिद का एरिया, वो तो ये भी बहुत सुंदर था और इसका भी मैंने थोड़ा सा वीडियो लिया था। तो ये है नमाज पढ़ने का एरिया और चलिए दरगाह शरीफ भी दिखाते हैं आप लोगों को। तो ये है दरगाह शरीफ का एरिया, तो यहीं पे आप लोगों को दोनों दरगाह की ज़ियारत करने को मिलेगी। रोज़े की मुबारक ज़ियारत करने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट ज़ियारत के लिए। रास्ते में एक और दरगाह हम लोग को देखने को मिला जो अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो हम लोग अभी बाहर से ही इसको देख रहे थे क्योंकि अभी अंदर जाना अलाउड नहीं था। तो ये है यहाँ का मज़ार का एरिया और अभी हम लोग जा रहे हैं हज़रत शेख बहलोल दाना की दरगाह पर। तो चलिए दोस्तों चलते हैं और आप लोग को भी दिखाते हैं। कुछ दूर पैदल चलने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं दूसरी ज़ियारत के लिए जो कि है हज़रत शेख बहलोल दाना की दरगाह पे। तो चलिए अंदर चलते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं। यहाँ पे हम लोग को अंदर अलाउड नहीं था तो मैंने बाहर से ही थोड़ी सी क्लिप्स ली थी और अंदर की दरगाह जो है वो मैं आप लोग को थोड़ा सा दिखाती हूँ। यहाँ से हम लोग अंदर आए थे और आप देख सकते हैं ये पूरे खुला मैदान है और उसके बाद है ये दरगाह। दरगाह के अंदर लोग जा रहे हैं तो उनमें से ही कोई एक जो है उन्होंने वीडियो लिया था, वही मैंने इसमें ऐड किया है ताकि आप लोग भी पूरा रोज़ा मुबारक तक देख सकें। तो ये है वो क्लिप, आप लोग भी प्लीज़ ज़ियारत कीजिए और हमको दुआ में याद रखिएगा। सामने आप देख सकते हो बड़ा सा बेर का पेड़ भी है यहाँ पे, तो यहाँ बेर बहुत आराम से मिलता है आपको। एक दिन पहले यहाँ पे बारिश भी हुई थी तो यहाँ का जो मौसम है वो बहुत ही खुशनुमा था। और ये सामने मस्जिद का एरिया है वो भी बहुत सुंदर लग रहा था, तो उसका भी मैंने थोड़ा सा व्यू आप लोगों के लिए लिया था। तो ये सामने दरगाह है और अभी चल रहे हैं हम लोग अपने तीसरी दरगाह की तरफ जो है हज़रत इब्राहिम खवास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। तो ये एक कब्रिस्तान के अंदर था तो यहाँ पे भी हम लोग को अलाउड नहीं था तो मैंने बाहर से ही थोड़ा सा क्लिप लिया था। तो और उसके बाद फिर हम लोग गए आज के आखिरी दरगाह की तरफ जो कि था हज़रत शेख जुनून मिस्री। तो आप लोग भी ज़ियारत कर लीजिए और ये वाला व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।